नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग पिछले दिन क्लास कर रहे थे, जो हमारा डेली का जो ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रहा है, आप लोग को तो पता ही है, जो लोग नहीं है या उनके लिए भी, कि डेली का जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है उसमें हम लोग क्या किए थे, डिजीज पर गए थे, पशु रोग एवं उपचार। तो पशु रोग एवं उपचार की बातें कर रहे थे, जिसमें हमने आपको लास्ट क्लास में जो बैक्टीरियल डिजीज था उसका सारा ख़त्म कर दिए थे। बैक्टीरियल डिजीज में हमारा एक डिजीज ही बचा हुआ था, जो हम अभी कर देंगे, ब्रुसेलोसिस। ये अभी हम कर देंगे इसको, और हमने ये भी बोला था कि इसको ख़त्म करने के बाद हम आपका स्टार्ट करेंगे बैक्टीरियल डिजीज के बाद वायरल डिजीज। वायरल डिजीज कौन कौन सा है, वायरल की वजह से कौन कौन सा बीमारी होती है, वायरस की वजह से कौन कौन सी बीमारी आती है, वायरस को क्या बोलते हैं, विषाणु जनित कौन कौन सी बीमारी है, विषाणु जनित कौन कौन सा रोग है, ये हम आपका डिस्कस करेंगे। पहले आपका एक जो बचा हुआ है जीवाणु जनित को, उसको ख़त्म करके हम इस पे आएंगे। इसको भी याद करने की कौन कौन सा ट्रिक है, कैसे याद कर सकते हैं, पूरा एक बार में कैसे बता सकते हैं कि विषाणु जनित कौन है, जीवाणु जनित कौन है। जीवाणु जनित का ट्रिक हमने बताया था कि अब हिम्मत बहुत है, हमने विषाणु जनित का आपको बताया था कि अब हिम्मत बहुत है। उसके बाद हम आपको बताएंगे वायरल डिजीज पे भी एक आपको ट्रिक बताएंगे अभी। तो आइए, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए आपके क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सातवां जो डिजीज है हमारा, जो कि बैक्टीरियल डिजीज ही है, उसका नाम है ब्रुसेलोसिस। ब्रुसेलोसिस क्या होता है, ये एक जीवाणु जनित रोग है। आपको पता है, आप जीवाणु जनित रोग पढ़ रहे हैं, ट्रिक आपको पता है, अब हिम्मत बहुत है, ये इसका ट्रिक है। इसके उपनाम की बात करें तो इसका उपनाम कौन सा है, बॉन्ग्स डिजीज इसको बोलते हैं, या फिर एंड्यूरेंट फीवर बोलते हैं, या फिर मेल्टा फीवर बोल सकते हैं। ये सारा तीन चार नाम इंग्लिश नाम ही है, जो इनका उपनाम बोलिए या अन्य नाम बोलिए, इन सारी नामों से इन बीमारी को आप जानते हैं, या फिर किताब में भी आपको मिल सकता है, ये सारा डिजीज का नाम मिल सकता है, या आप जब एग्ज़ाम देंगे एग्ज़ाम में आपको ये सारा ऑप्शन देखने को मिल सकता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि नया डिजीज आ गया है, भाई ये नया डिजीज नहीं है, जो आपने जानते हैं उसी का ये सेकेंड नाम है, या उपनाम या अन्य नाम, जो समझ लीजिए अन्य नाम है। इनके कारक कौन से हैं भाई, तो कारक इनका है ब्रुसेला एबोर्टस। हमने सारे डिजीज के कारक बताए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको ब्रुसेला एबोर्टस इस डिजीज का जो कारक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम से रिलेटेड। आपको रोग कारक हमेशा याद होनी चाहिए, ये क्वेश्चन पूछी जाती है। ये जब भेड़ बकरी में होगा तो ब्रुसेला मैगीटेनिस नामक कारक आएंगे। ब्रुसेला मैगीटेनिस नामक बैक्टीरिया के वजह से भेड़ और बकरी में ये बीमारी होता है, और ब्रुसेला एबोर्टस नामक जो बैक्टीरिया है उसके वजह से आपके भैंस या फिर गाय के अंदर, भैंस और गाय के अंदर आएगा तो ये कारक होगा, और भेड़ और बकरी के अंदर आएगी तो ये कारक बन के आएगी। इन बीमारियों के लक्षण क्या है, तो इनके दौरान क्या होता है ना, कि आपका जो कोशिकाओं होती है, कोशिकाओं में सूजन आ जाएगी, गर्भपात के समय चमड़ा एकदम मुलायम सा, मतलब ऐसा कि लहू लुभान हो जाए या फिर ब्लड आ जाए, इस टाइप का मतलब नुकसानदायक चमड़ा हो जाता है गर्भपात के समय। जूनोटिक रोग है, जूनोटिक रोग बोले तो कौन सा रोग है, जूनोटिक रोग है। जूनोटिक रोग कौन सा होता है भाई साहब, जूनोटिक रोग क्या होता है आपको बताए थे हम, आप एग्जाम भी दिए। जूनोटिक रोग होती है जो मनुष्य से जानवर में, और जानवर से मनुष्य में, वाइस वर्सा, मनुष्य से जानवर और जानवर से मनुष्य में जो रोग फैलता है, वैसे रोगों को जूनोटिक रोग बोलते हैं। ये एक जूनोटिक रोग है, ठीक, आप इसको समझ सकते हैं क्या है। आगे हम देखते हैं आपका है वायरल डिजीज। तो ये सारा था आपका जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, बैक्टीरियल डिजीज थी, वो सारा बैक्टीरियल डिजीज थी। ये अब हम आते हैं वायरल डिजीज पे। वायरल डिजीज बोले तो कौन सा रोग, विषाणु जनित रोग, विषाणु
जनित रोग, हिंदी में क्या बोलते हैं? विषाणु जनित रोग। वायरस के वजह से कौन कौन सा बीमारी होता है? जैसे अभी हम इंसान के लिए वायरस के वजह से कोरोना वायरस आया था, हाँ हाँ कोरोना वायरस आया था, तो वो भी एक वायरल डिजीज था और ये भी एक वायरल डिजीज है। तो जो वायरल डिजीज है उसके बारे में पढ़ते हैं, 7-8-10 वायरल डिजीज है, उनको कैसे याद कर सकते हैं, कैसे आप प्रिपेयर करेंगे उसके बारे में। तो उसका एक ट्रिक है, बहुत ही आसान सा, रफ रफ पेपर, पिछले दिन भी हम इसको बताए थे, रफ पेपर, ये इसका ट्रिक है। रफ पेपर बोले तो आर से रैबीज, आर से रैबीज, दूसरे आर से आरपी, एफ से एफएमडी और पीपीआर। पीपीआर तो खुद में पीपीआर है भाई, ये तो खुद ही हो है, पीपीआर है, पीपीआर ही है। तो इन सब के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो क्या हुआ ट्रिक हमारा? रफ पेपर ट्रिक है। रफ पेपर के जरिए आप इस ट्रिक के जरिए आप विषाणु जनित रोग को याद कर सकते हैं, जैसे आप जीवाणु जनित रोग को याद किए हैं अब हिम्मत बहुत है बोल के, उसी तरह से रफ पेपर है बोल के इसको याद कर सकते हैं। तो पहले आते हैं आरपी। आरपी को हिंदी में रिंडर पेस्ट या पशु प्लेग के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? रिंडर पेस्ट या पशु प्लेग। इनका होने का मुख्य कारक कौन सा है? पेरामिक्सो वायरल या पेरामिक्सो वायरस। पेरामिक्सो वायरस नामक वायरस के वजह से आरपी नामक रोग होता है या पशु प्लेग रोग होता है। किसमें? पशु में, हाँ। इनके उपनाम कौन से हैं भैया? इनके उपनाम पशु माता बोल सकते हैं आप, इनको पोकनी बोल सकते हैं, पोकनी बोल सकते हैं, पशु प्लेग बोल सकते हैं, इनको सितरा माता रोग भी बोला जाता है। तो ये सारे उपनाम हैं इनके। आप ये ना बोलिएगा कल को कि सर एग्ज़ाम में पोकनी आया था या सितरा माता आया था, ये तो आपने पढ़ाया नहीं भैया, हमने पढ़ाया था आपने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये उन्हीं बीमारी का उपनाम है जिसके बारे में आप अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं। तो आपको उपनाम भी ध्यान रखना है। नोट अभी नहीं कीजिए, हम आपको मौका देंगे लिखने का, आप तब लिख लीजिएगा, अभी आप सुन लीजिए बस। उपनाम सितरा माता रोग भी बोलते हैं। लक्षण क्या है भैया इनके? तो लक्षण है तेज बुखार होता है, 1-6 डिग्री तक बुखार जाता है, बहुत ज़्यादा कंपन होता है, जब कांपता है बुखार होने के दौरान तो कांपेगा ही ना, बहुत ज़्यादा कांपेगा आपका पशु। 3-4 दिन बाद जब बीमारी हो जाएगा, अगर आपका पशु पशु प्लेग नामक या आरपी नामक बीमारी से ग्रसित हो चुका है, तो उन बीमारी को अटैक करने के बाद या उस बीमारी से ग्रसित होने के 3-4 दिन बाद, 3-4 दिन बाद खूनी दस्त होगा आपके मवेशी को। 3-4 दिन बाद खूनी दस्त होगा, जब वो वोमिटिंग करेगी, जब उनको दस्त होगा तो क्या होगा? खूनी दस्त होगा, और खूनी दस्त के दौरान पोकनी हो जाएगा, या फिर ऐसे बोलिए कि जो खूनी दस्त होता है बुखार के अकॉर्डिंग, अगर खूनी दस्त मवेशी को हो रही है तो उनको हम पोकनी भी बोलते हैं। यही पोकनी तो है भैया जिसको हम उपनाम में डाले हुए हैं, पोकनी, इसीलिए इनको पोकनी के नाम से जानते हैं। इस दौरान मवेशी को डायरिया भी हो सकती है। डायरिया इंसान वाली? हाँ भाई, इंसान वाली ही। मुँह में घाव हो जाता है, आँखों में लाली आ जाती है, आँख नाक से पानी आना शुरू हो जाता है। तो ये सारे तमाम लक्षण हैं इनके आरपी के, या फिर पशु प्लेग बोले तो इन बीमारी को, इन लक्षण के जरिए आप इनको पहचान सकते हैं इस बीमारी को। हमें पूरा विश्वास है कि आप लक्षण देख करके पहचान जाएंगे, अगर मेरे पढ़ाए से आप याद करके या फिर माइंड में सेट करके फील्ड में आप डॉक्टर को सजेस्ट करें या फिर किसान को सजेस्ट करते हैं तो आप वहाँ पर ये चीज़ें कर सकते हैं। उन इन बीमारी के दौरान क्या होगा कि मृत्यु के समय शरीर ठंडा पड़ जाता है, शरीर में ठंडापन आ जाएगी, आंत में लाइन आ जाएगा। इलाज कैसे कर सकते हैं भैया? इलाज में कौन कौन सा मेडिसिन का यूज करेंगे? एम्पिसिलिन, सीफोक्रोम, ACAS, ACAS, A for Ampicillin, C for Prom, A for Avil, S for Sulfadimine। तो इन सारा मेडिसिन का यूज करके आप क्या कर सकते हैं? इन
बीमारी का इलाज किया जा सकता है। तो इनका माइंड में आप सेट करके रखिए, ये सारा तामझाम आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लास का फोटो ले लीजिए, या फिर नोट करना है आप थोड़ा देर वेट कीजिए, फिर आप नोट कीजिएगा, ठीक है। हाँ जरूर। उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पे, रेबीज पे, आर स्क्वायर बोले हैं, तो रेबीज हो गया ये, पहला हमने बता दिया आर पी, आर स्क्वायर खत्म, मतलब रॉ खत्म, अब फ बाकी है तब ना रफ होगा, तो आर से तो ये बता दिए, अब एफ, फ से क्या बताएंगे, एफ एम डी। देखिए पहले आते हैं रेबीज पे, रेबीज क्या है, रेबीज को उपनाम क्या देंगे हम, जलटोका, लाइसा, हिरकाव, हाइड्रोफोबिया, कुत्ते का पागल होना, ये सारा इनका उपनाम है। अगर कुत्ता भी पागल होता है तो उनको रेबीज नामक रोग होता है, तो हम बोल सकते हैं भैया कि ये रेबीज का प्रकोप है, या फिर रेबीज से हमारा पशु ग्रसित है, तो इनको आप ऐसे जान सकते हैं। इनके कारक कौन से हैं रेबीज के, तो रैबिडो वायरस नामक वायरस से ये रेबीज का उत्पत्ति होता है, या रेबीज उनका घटक है, मुख्य कारण है होने का। इनके लक्षण क्या है, इनको कौन कौन से लक्षण से आप पहचान सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा आक्रामक करेगा वो, जिन भी डॉग को होता है तो वो बहुत ज़्यादा पागल की तरह करेंगे, आक्रामक करेंगे, मतलब भौंकेंगे आपको, मतलब गंदे नज़र से देखेंगे, मतलब गुस्साए हुए होता है ना प्रति वो ये उसी, हाँ तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये देखेगा, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इस रेबीज के अकॉर्डिंग लकवा होने की चांसेस होती है, डॉग को लकवा हो जाएगा, कुत्ते को लकवा हो जाता है, पशु का इधर उधर भागना, हाँ मोमेंट रहेगा वो कहीं एक जगह पे टिकेगा नहीं, जैसे हम इंसान पागल होते हैं ना, एज इट इज समझते जाइए उसको, पशु का इधर उधर भागना, एक जगह पे रुकेगा नहीं, मुंह से लार आएगा, पशु का निचला जबरा जो है वो लटकता है, और ग्रासिन में लकवा होने की चांसेस होती है। तो ये सारा आपका लक्षण है रेबीज का, रेबीज होने का कारण क्या है, लक्षण क्या है, आपने देख लिया, उपनाम देख लिया, कौन सा बीमारी है आप बताइए, रेबीज कौन सा बीमारी है, विषाणु जनित, हाँ रेबीज विषाणु जनित बीमारी है। तो ये सारा चीज़ देख लिए हम, आपको अब बताते हैं रेबीज का इलाज क्या कैसे कर सकते हैं, और इसका टीकाकरण क्या है, कितने दिनों पे क्या इसका टीका होता है, ये चीज़ आपको बताते हैं, आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम जब नेक्स्ट वीडियो होता है हमारा, नेक्स्ट क्लास होता है उसमें हम आपको बताते हैं नेक्स्ट, और इसको अभी कंप्लीट करेंगे, फिलहाल आप देख लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए 2 मिनट।